हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दवानी क्लासेस आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एच पी टेट के लिए हेल्पफुल रहेंगे इस वीडियो में आज हम जर्नल नॉलेज के 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साथ ही बायोलॉजी सेक्शन के भी 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यानी कि टोटल आपके थर्टी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में और साथ ही साथ आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि किस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन है और एट द एंड ऑफ वीडियो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके थर्टी में से कितने क्वेश्चन सही हुए ताकि ता आपको पता चले कि आपकी प्रिपरेशन किस तरह की हो रही है एंड आप मुझे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो उसका लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ओके okay, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले जनरल नॉलेज के फर्स्ट क्वेश्चन से जो है हु वॉज़ द फाउंडर ऑफ जैनिज़्म जैनिज़म के फाउंडर कौन थे जैन धर्म के फाउंडर संस्थापक कौन थे ऑप्शन ए महावीर बी रिश्वदेव सी अजीतनाथ डी नामीनाथ ओके okay? सो so, जो जैन धर्म के फाउंडर थे वो थे रिशवदेव फर्स्ट फाउंडर वॉज रिशवदेव और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है महावीर से सो so, जो महावीर थे वो क्या थे ही वॉज द लास्ट फाउंडर ऑफ़ जैनिज्म लास्ट फाउंडर नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर इज राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिचुएटेड मुंबई बेंगलुरु सी हैदराबाद डी दिल्ली. सो राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित हैदराबाद में ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट कंट्री विच एडोप्टिड प्रियम्बल फॉर इट्स रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कौन सा देश है जिसने अपने रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रियम्बल को अडॉप्ट किया प्रस्तावना को अडॉप्ट किया यूएस ए इंडिया ब्रिटेन डी कैनेडा राइट आंसर इज ऑप्शन दट इज़ द यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने प्रियम्बल अडॉप्ट किया नेक्स्ट क्वेश्चन पिसी कल्चर इज द जो पिसी कल्चर है वो क्या है ऑप्शन है हमारे ए रियरिंग ऑफ हनी बीस बी गार्डन कल्टीवेशन सी कल्टीवेशन ऑफ अर्थ फॉर्म्स डी ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश सो जो पिसी कल्चर है इसको कहा जाता है मछली पालन यानी कि ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ फिश इज़ पीसी कल्चर और जब बात आती है रेयरिंग ऑफ़ हनी बीज की हनी बीज की जो रेयरिंग होती है उसको कहा जाता है एप्रीकल्चर ओके गार्डन कल्टिवेशन को हम कहते हैं हॉर्टीकल्चर ओके okay. और आपको कमेंट करके बताना है कि जो कल्टिवेशन होती है अर्थ वार्म की उसको क्या कहा जाता है वट इज द कल्टिवेशन ऑफ अर्थ वार्म नॉन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड अब आपको याद रखना यहाँ पे वर्ल्ड पूछा गया है इंडिया नहीं पूछा गया है तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर किन्हें कहा जाता है ऑप्शन ए स्वामीनाथन बी नॉर्मन वॉरलॉग सी राजकृष्ण डी आर के वी रेवोल्यूशन के फादर है इन द वर्ल्ड वो है नॉर्मन वॉरलॉग ओके और जब आपसे पूछा जाए कि इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर किन्हें कहा जाता है तो वो हैं स्वामीनाथन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन विच बैंक वॉज अर्लियर कॉल्ड इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक को कहा जाता था पहले आरबीआई एस बी आई पी एन बी डी यू बी आई सो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता था एस बी आई को ओके okay. और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एस बी आई में ट्रांसफर हुआ 1955 में इसका नेम ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन लॉन्च्ड इन द एयर जो आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन किस एयर में लॉन्च किया गया 2017, 18, 16, D, 19. राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज 2018. ओके नेक्स्ट वन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई 2014, 15, 16, डी 17। राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लॉन्च किया गया और किसने लॉन्च किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑन विच डेट 18 फाइव 2016 नेक्स्ट क्वेश्चन एन इज द करेंसी ऑफ किस देश की करेंसी है जर्मनी फ्रांस जापान डी साउथ कोरिया राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज जापान की करेंसी है नेक्स्ट वन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड इज कॉफी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन सा देश है क्यूबा ब्राजील मेक्सिको डी इंडिया सो ये है ब्राज़ील और कई बार पूछा जाता है कि टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? है तो टी का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर चाइना, ओके। नेक्स्ट वन, कंगारू इज द नेशनल सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑस्ट्रेलिया आयरलैंड श्रीलंका डी स्पेन राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया ओके नेक्स्ट वन नाइट ब्लाइंडनेस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग जो नाइट ब्लाइंडनेस एक डिजीज है वो किस विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होती है विटामिन ई ए विटामिन सी डी विटामिन डी राइट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस नेक्स्ट वन विलेज ऑफ मलाना बजोरा लार्जी आर सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा लाहौल स्पीति डी कुल्लू राइट right आंसर होगा कुल्लू में ये तीनों गांव स्थित हैं और मलाना गांव से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कहाँ की है तो वो है मलाना गांव की जो कुल्लू में स्थित है ओके okay? नेक्स्ट क्वेश्चन मछियाल लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बहुत ही इजी क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन देख लेते हैं पहले कांगड़ा कुल्लू मंडी डी बिलासपुर राइट आंसर इज ऑप्शन सी दैट इज द मंडी डिस्ट्रिक्ट में है मछियाल झील नेक्स्ट वन फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स वर हेल्ड इन ओके okay. 1931 1945 1930 D, 1932. Right is, 1930 1932 राइट आंसर ऑप्शन सी में फर्स्ट कॉमन वेल्थ गेम्स हुई थी और ये कहां पर हुई थी हेमिल्टन कनाडा में ओके okay. यहाँ पर हो गए हमारे जीके के फिफ्टीन क्वेश्चंस अब हम देखेंगे बायोलॉजी के क्वेश्चंस जोलॉजी और बॉटनी दोनों की क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन स आर मेड अप ऑफ जो मैमल्स के होर्न्स होते हैं वो किसके बने होते हैं काइटिन कनेक्टिव टिश्यूज कार्टिलेज डी कैरेटिन राइट आंसर इज ऑप्शन के बने होते हैं होन्स नेक्स्ट वन बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लिवर ब्लैडर पेनक्रियाज डी स्टमक राइट आंसर इज ऑप्शन बाइल जूस को सिक्रीट करता है लिवर ऑफ फ्लोइंग प्लांट हार्मोन इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है इंसुलिन थायरॉक्सिन एस्ट्रोजन साइटोकाइनिन सो इंसुलिन थायरॉक्सिन एंड एस्ट्रोजन ये तीनों क्या हैं प्लांट हार्मोन नहीं है ओके okay? और जो साइटोकाइनिन है वो एक प्लांट हार्मोन है वो किस में हेल्प करता है सेल डिवीजन में हेल्प करता है साइटोकाइनिन ऑप्शन इज द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन बेंडिंग ऑफ ग्रोइंग शूट टूवर्ड सन लाइट इज कॉल्ड जब ग्रोइंग शूट जो होती है प्लांट की वो सन की तरफ मुड़ जाती है जहाँ से सनलाइट आती है उस प्रोसेस को स्विनोमन को क्या कहा जाता है ऑप्शन ए है, हेलियोट्रापिजम हाइड्रोट्रापिज्म सी फोटोनेस्टी डी नन ऑफ दीज तो इस प्रोसेस को कहा जाता है हेलियोट्रापिज्म द राइट आंसर नेक्स्ट वन स्टेम कटिंग आर कॉमनली यूज फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ जो स्टेम कटिंग्स हैं उनका यूज़ किसकी प्रोपोगेशन के लिए किया जाता है बनाना रोज मैंगो डी कॉटन सो स्टेम कटिंग्स यूजली होती हैं रोज़ में ओके okay, जब हम स्टेम को कट करते हैं और उससे हम किसी और जगह पर लगाते हैं वहाँ से नया एक रोज़ का प्लांट बनता है उसको कहा जाता है स्टेम कटिंग ऑप्शन बी इज़ द राइट वन नेक्स्ट वन एनिमोफिलिस पॉलिनेशन बाय बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत बार पूछा जाता है पोलिनेशन से जो एनिमोफिली है उससे मोस्टली क्वेश्चन आता है ऑप्शन देख लेते हैं अभी इंसेक्ट वर्ड्स एनिमल्स डी विंड सो एनिमोफिली पॉलिनेशन है विंड के थ्रू ओके ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और आपको कमेंट करके बताना है कि जो इंसेक्ट्स हैं बर्ड्स और एनिमल्स हैं इनके थ्रू जो पोलिनेशन होती हैं उनको क्या कहा जाता है ओके नेक्स्ट वन डबल फर्टिलाइजेशन वाज़ डिस्कवर्ड बाय निवास्ट्रिन स्टासबर्गर एमर्सन डी नन ऑफ दीज सो डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था निवास्ट्रिन ने ओके ऑप्शन इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन

ओके सो टाइफ इज कोज बाय सेलमोनेला टाइफी ऑप्शन इज द राइट आंसर विच आर द फ्लोइंग एनिमल्स बिलोंग टू फाइलम इनमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जो का फाइलम से बिलोंग करता है डेविल फिश डॉग फिश सिल्वर फिश डी जेली फिश तो एक एक करके सभी एनिमल्स को देख लेते हैं कि वो किस किस फाइलम से बिलोंग करते हैं स्टार्ट करेंगे हम जेली फिश से सो so, जो जेली फिश है ये बिलोंग करती है फाइलम सिलनटेटा से ओके okay? एंड सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा से आर्थ्रोपोडा में क्लास इंसेक्टा से और जो डॉग फिश है ये बिलोंग करती है फाइलम कोडेटा से अब रहेगी हमारी डेविल फिश डेविल फिश से आपको क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसको डेविल फिश कहा जाता है सो so, डेविल फिश कहा जाता है Oktopus को ओके okay. और ऑक्टोपस बिलोंग करता है फ़ाइलम से तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन ए डबल फिश नेक्स्ट पिरामिड दैट इज नेवर इन्वर्टेड ऐसा कौन सा पिरामिड है जो इनवर्टेड नहीं होगा ओके okay. वो अपराइट ही रहेगा कौन सा पिरामिड है ऑप्शन है हमारे एनर्जी बी मास, सी नंबर डी साइज राइट आंसर होगा एनर्जी जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो कभी भी इन्वर्टेड नहीं होता ये हमेशा अपराइट ही रहता है मोस्ट स्टेबल इको सिस्टम है जो सबसे स्टेबल है डेजर्ट मरीन माउंटेन डी फॉरेस्ट सो मरीन इको सिस्टम इज द मोस्ट स्टेबल इको सिस्टम नेक्स्ट क्वेश्चन मर्क्यूरी पोल्यूशन कॉजे जो मर्क्यूरी से पोल्यूशन होता है वो कौन सी डिजीज को कॉज करता है ऑप्शन है हमारे ब्लैक फूट डिजीज इटाई इटाई डिजीज ब्लूबेरी सिंड्रोम दी मिनीमाटा डिजीज राइट आंसर इज ऑप्शन डी मर्क्यूरी पॉल्यूशन से होता है मिनीमाटा डिजीज ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है कौन से स्टेट में है मध्य प्रदेश असम गुजरात डी ओडिशा तो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में ऑप्शन इज द राइट आंसर नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो डोसेटा रेफर्स टू जो डोसेटा है ये एक तरह की हनी बी है और इसको क्या कहा जाता है डोसेटा एक साइंटिफिक नेम है और इसका कॉमन नेम क्या है ओके लिटिल बी रॉक बी इंडियन बी डी यूरोपियन बी एपिसोसेटा इज रॉक बी ओके ऑप्शन बी इज द राइट आंसर सो गाइज दैट्स सोल फॉर नाउ आज की वीडियो में बस इतना ही आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके थर्टी में से कितने क्वेश्चन सही हुए वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय टेक केयर